रायबरेली शहर के बस्तीपुर मोहल्ले में अपने घर के आसपास लगाई गई साप्ताहिक बाजार। इस साप्ताहिक बाजार में महिलाओं ने घर में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा। अपने घरों के आसपास गृह उपयोगी वस्तुओं के मिलने से बस्तीपुर मोहल्ले की महिलाओं ने साप्ताहिक बाजार में खरीदारी कर इस बाजार में खरीदारी करने वाली महिलाओं का ये कहना है, स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई साप्ताहिक बाजार में उन्हें शुद्ध वस्तुएं मिली। अब वे शहर के बाजारों में ना जाकर अपने मोहल्ले में ही वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। जिन महिलाओं ने खरीदारी की उनमें संतुष्टि का भाव रहा। वहीं जय हिंद स्वयं सहायता समूह की महिला ज्योति ओझा काय का कहना है, प्रधानमंत्री के साप्ताहिक बाजार कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर उन्होंने अपने घर में बाजार खोली है। उनका उद्देश्य है कि जो भी उत्पादन है उनका प्रचार शहर में करेंगी। वस्तुओं की मांग शहर में और बढ़े, उन्होंने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा स्वयं सहायता समूह को सहयोग किए जाने को लेकर प्रशंसा की। रायबरेली शहर के बस्तीपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई साप्ताहिक बाजार आकर्षण का केंद्र रही। मेरा नाम जया शुक्ला है। ये बस्तीपुर में आज साप्ताहिक मेला लगा हुआ है, मेला नहीं साप्ताहिक बाजार लगा है। जो चीज़ इस बाजार से बहुत फ़ायदा है हम लोग को, जो चीज़ हम बाजार जाके भूल जाते हैं वो मोहल्ले में रहने से ही हमें फ़ायदा है कि हमारे घर के बगल में शुद्ध चीज़ मिल रही है। हम तुरंत वहाँ से जाके महीने में दो बार आके अपने डेली जो हमें रूटीन में जो सामान चाहिए वो हम आके ले सकते हैं। क्या क्या रेट है? रेट बाजार से कम ही है, मेन चीज़ शुद्धता पे है। मेन चीज़ शुद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे सभी कई कॉलोनी से कई महिलाएं हैं, हम लोग समूह की महिलाएं हैं, सब आपसी योगदान से हम लोग अपने समूह को बढ़ा रहे हैं। क्या बच्चे हैं? अच्छा, पूनम तिवारी और हम बस्तीपुर में रहते हैं, पड़ोस में ही। और आज ये जय हिंद जो आपका साप्ताहिक बाजार लगी वो हमको बहुत अच्छी लगी। हमने तो यहाँ से आज बहुत सामान खरीद लिया है, जैसे धूप बत्ती है, जनेऊ है, सत्तू का आटा है, सत्तू लिया है और जौ का आटा लिया है और करौंदे का, एक हमारी माता जी आई हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अचार बनाया है करौंदे का, उसको भी लिया है हमने। और ये सब सामान जो है शुद्ध है और मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। अगर हम आज ले जा रहे हैं अच्छा होगा तो अगली बार हम बेसन ओसन सब यहीं से ले जाएंगे, अब हम मार्केट जाएंगे ही नहीं, इतना अच्छा यहाँ लगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम ज्योतिका ओझा है और जय हिंद समूह से हम लोग हैं। और आज हम लोग ने मोदी का जो साप्ताहिक बाजार उन्होंने कहा था, इसी से प्रेरित होकर हमने अपने ही घर में साप्ताहिक बाजार लगाया है। और हाँ, महीने में हम लोग ने सोचा है कि ये दो हम लोग लगाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं, जो महिलाएं वो कर रही हैं, आज हमारा जोमेटो स्विगी हर जगह फेमस हो रहा है, तो हम चाहते हैं जो महिलाएं इतना मेहनत कर रही हैं तो वो हर जगह जाए प्रोडक्ट। ये जोमेटो स्विगी जो जाते हैं उसके जगह ये लोग भी जाएं, ये सब भी आगे बढ़ें। तो हमारा ये मानना है कि ये जो प्रोडक्ट है अपने मोहल्ले मोहल्ले हम दिखाएंगे और अगर उन लोग की डिमांड होगी तो हम इसे घर तक उनको पहुंचाने का एक ठो प्रयास भी करेंगे। अभी हम लोग ने यही सोचा हुआ है कि साप्ताहिक बाजार अपने घर में हम दो बार लगाएंगे। और हम जय हिंद समूह से हैं और हम सोचते हैं हमारे समूह और हमारे भारत का नाम जय हिंद और जय भारत हमेशा आगे रहे, इसी प्रयास से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज ये बाजार बस्तीपुर में लगाया गया है, इसके कई मोहल्ले शामिल हैं, जैसे रामजीपुरम, बस्तीपुर, फिरोज गांधी, ऐसे महिलाएं आई हुई हैं आसपास की। डूडा से अटैच है कि ऐसे ही चल रहा है? हाँ नहीं, डूडा से अटैच है क्योंकि उन वहाँ से हम लोगों को फुल व्यवस्था मिलती है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सर लोग हम लोग की व्यवस्था करते हैं, फ्री मतलब देते हैं, शॉप देते हैं। अभी उन्होंने कलेक्ट्रेट में डीएम साहिबा ने हम लोग को दिया है महिलाओं को मतलब वहाँ अपने लगाने के लिए। और जो उन्होंने ये प्रयास किया है डीएम सर ने, महिला ने, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है क्योंकि इसके थ्रू बहुत जगह रायबरेली में ये चीज़ें फेमस हो रही हैं। अभी तक क्या होता था, हम लोग आपस में ही लेकर के इस चीज़ों का प्रचार करते थे, लेकिन अब जब से डीएम सर के हम लोग पास करीब पहुँचे हैं, महिलाओं एक महिला होकर उन्होंने महिलाओं का बहुत सपोर्ट किया है और उनकी तारीफ हम करेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने तुरंत ही हम लोग के कहने पर कलेक्ट्रेट में वो जगह दे दी महिलाओं को। आज उसी के थ्रू पूरा कलेक्ट्रेट जो वहाँ पर आते जाते हैं वो प्रोडक्ट लेते भी हैं और इस चीज़ों का प्रचार भी करते हैं। जो आप लोगों ने बना के रखे हुए, क्या मार्केट से सप्लाई करके लाते हैं? नहीं नहीं नहीं, घर में बना के रखते हैं। ये चीज़ इसीलिए फेमस हो रही है क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं शुद्धता का विशेष ध्यान रख रही हैं, क्योंकि हम लोग आजकल देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, महिलाएं बीमार हो रही हैं, उन्हें शुद्ध नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं, हमारा प्रयास ये है कि जो हम खाते हैं
वही हम दूसरों को खिलाने की कोशिश करें। इसीलिए हम महिलाओं से कहते हैं, भले ही हमें कम रुपया मिले, हमें जोमेटो स्विगी जैसा फेमस नहीं होना है, लेकिन हमें जो देना है शुद्ध देना है, क्योंकि उसे बच्चे खाएंगे, हमारे हम खाएंगे, और ये घर ये हम लोग के घर भी जाएगा, तो अगर हम इसमें कोई खराबी करेंगे तो वो हमारे घर भी आएगा। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रहता है और ये महिलाएं इस ध्यान से काम करती हैं।